Hi friends, welcome to Tally Digital Class. दोस्तों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे Tally ERP 9 में मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों आज का इस वीडियो लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए कि Tally ERP 9 में मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए ताकि वीडियो की नई नई नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों इसके पहले भी मैं वीडियो बना चुका हूँ कि Tally ERP 9 का सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करते हैं, लेज़र कैसे क्रिएट करते हैं, कंपनी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों चलिए आज का इस टॉपिक शुरू करते हैं कि Tally ERP 9 में मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर अपने यहाँ Tally ERP 9 में कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अकाउंट इन्फो। अकाउंट इन्फो पर यहाँ आपको दिख रहा होगा अकाउंटिंग इन्फो, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे ग्रुप और लेजर, ये दो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखते होंगे। हमें लेजर पर क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर आ जाएगा सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर्स, सिंगल और मल्टीपल। तो अभी आपको फ़िलहाल मल्टीपल लेजर्स पर, सिंगल लेजर मैं पहले बना चुका हूँ और मल्टीपल लेजर्स ये अभी फिलहाल मैं आपको बताऊँगा मल्टीपल लेजर्स के बारे में। मल्टीपल लेजर्स आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा सी क्रिएट, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं आज आपको यहाँ पर 3-4 लेजर एक साथ क्रिएट करके बताऊंगा कि मल्टीपल का मतलब ही होता है कि 3-4 लेजर एक साथ क्रिएट करना। तो आज मैं सन्डी डेप्टर्स मतलब हमारे जो सेल्स करते हैं, हम उसे जिसे भी हम यहाँ सेल करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, सन्डी डेप्टर्स के बारे में। तो ये आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सन्डी डेप्टर्स, ठीक है। और मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि कोई भी पार्टी का मैं जिसे भी हमें क्रिएट करना है उसका मैं यहाँ पर नाम लिख लेता हूँ मिस्टर बी। जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये अंडर ग्रुप जो भी है वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा और ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। अगर हम ओपनिंग बैलेंस रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वरना एंटर दे के हम दूसरा क्रिएट कर लेते हैं मिस्टर सी। जैसे ही हम एंटर देंगे तो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा, सीधा है ओपनिंग बैलेंस में चले जाएगा। और तीसरा एक और मैं आपको बता देता हूँ मिस्टर डी क्रिएट करता हूँ, एंटर दबाया तो ओपनिंग बैलेंस में, और फिर से एंटर मिस्टर ई, मिस्टर ई एंटर दबाया ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा सीधा। आपको ग्रुप सिलेक्ट करने की ज़रूर नहीं पड़ेगी, सीधा एक बार आपने ऊपर अंडर ग्रुप जो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख दोगे तो बार बार आपको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंटर देकर हम यहाँ से इसे सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये सेव हुए हैं या नहीं हुए। तो आपको यहाँ पर इसके नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डिस्प्ले और अल्टर, हमें देखना है तो हम डिस्प्ले में जाएंगे, अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं तो हम यहाँ अल्टर में जाएंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मिस्टर बी हमने यहाँ पर क्रिएट किया था, एक मिनट दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। सन्डी डेप्टर्स के मैं गया तो देखिए ये सब ऑप्शंस यहाँ पर दिख गए कि हमने ये लेज़र अभी हाल फिलहाल हमने क्रिएट किए हुए हैं, सन्डे मिस्टर बी मिस्टर सी मिस्टर डी मिस्टर एफ, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट था आपके लिए कि मल्टीपल लेजर्स जिसकी फॉर्म मतलब ट्रांजैक्शन लॉ, बहुत सब ट्रांजैक्शन होते हैं उन्हें बार बार लेज़र क्रिएट करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि मल्टीपल लेजर क्रिएट कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट था Tally ERP 9 अकाउंटेंट के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें ताकि उन्हें भी जान सके